हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बनाने वाले हैं पालक और पनीर की सब्जी। दोस्तों ये देखिए, हमने पालक उबाल ली है और ये पनीर कट कर लिया है। 250 ग्राम पनीर है जिसको हमने कट कर लिया है छोटे छोटे पीसेज के रूप में, और ये पालक ली है 250 ग्राम में लगभग पालक थी, तो इसको उबाल लिया है और पानी को अलग कर दिया है क्योंकि पालक पनीर की सब्जी में जो उबली हुई पालक काम में आती है। उसके बाद हमने देखिए दो टमाटर जिनको हमने कट कर लिया है, 4 से 5 हरी मिर्ची और 2 प्याज मीडियम साइज़ के, इनको हमने कट कर लिया है। यहाँ पर हरा धनिया भी कट कर लिया हमने, ये 10 से 15 कलियाँ लहसुन की। ये अन्य मसाले लिए, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा, नमक, तो ये टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। ये हमने तेल लिया है सरसों का। तो ये देखिए दोस्तों, जार लिया है, जार के अंदर सभी को पीस लेंगे, हरी मिर्ची और प्याज और टमाटर को जो है जार के अंदर डाल देंगे। ये देखिए डाल लिया है, अब लहसुन भी डाल देंगे, लहसुन की कलियाँ भी इसके अंदर, और अब इनको जो अच्छे से पीस लेते हैं क्योंकि पेस्ट बनाना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, हरी मिर्ची, प्याज और टमाटर और जो पालक है उसका हमने पेस्ट बना लिया है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कढ़ाई जो है वो गर्म हो चुकी है। कढ़ाई के अंदर सबसे पहले डालेंगे सरसों का तेल। तो ये देखिए, एक बड़ी वाली चम्मच सरसों का तेल हमने डाल दिया है। तेल को अच्छे से गर्म करेंगे। तो तेल गर्म हो चुका है दोस्तों, अब डालेंगे इसके अंदर जीरा। तो ये देखिए जीरा डाल दिया, जीरे को अच्छे से ब्राउन होने तक पकाएंगे। तो जीरा ब्राउन हो चुका है, तो अब डालेंगे इसके अंदर पेस्ट। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पेस्ट हमने डाल दिया है, पेस्ट को अच्छे से फ्राई करेंगे। पेस्ट को जो अच्छे से फ्राई कर लेना है, इनका इसका कलर थोड़ा ब्राउन हो जाए तब तक इसे पकाना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पेस्ट जो फ्राई हो चुका है जैसा कि आप देख रहे हैं, देखिए थोड़ा फ्राई हो चुका है। अब डालेंगे इसके अंदर अन्य मसाले। सबसे पहले डाल देंगे हल्दी पाउडर आधी छोटी चम्मच, और इसको मिक्स कर देंगे। हल्दी को अच्छे से पका लेना है। ये देखिए हल्दी मिक्स हो चुकी है, अब डालेंगे मिर्ची पाउडर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक छोटी चम्मच जो है मिर्ची पाउडर डाल दिया है। एक छोटी चम्मच ही डाल देंगे इसके अंदर धनिया पाउडर। नमक डाल देंगे आधी छोटी चम्मच टेस्ट के अनुसार, आप कम या ज़्यादा खाते हो तो आप अपने अनुसार जो है डाल सकते हैं। और इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे, मसाले को पका लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, तो दोस्तों मसाला पक चुका है, अब डालेंगे इसके अंदर पानी। ये देखिए थोड़ा सा पानी डाल दिया, लगभग 1 कटोरी पानी इसके अंदर डाला है हमने। ये देखिए मसाला भी बिल्कुल पक चुका है। तो आपको जो हरा कलर लग रहा है, ये जो है पालक के कारण हो गया इसके अंदर, क्योंकि पालक पनीर में ऐसी ही सब्जी बनती है, हरे कलर हो जाता है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे पनीर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पनीर डाल दिया है और पनीर को मिक्स कर देंगे। बिल्कुल अच्छे से जो है मिक्स कर दिया है, और अब जो है इसे 4 से 5 मिनट तक जो है मीडियम फ्लेम पर गैस को रखेंगे और पका लेंगे अच्छे से। तो फ्रेंड्स, ये देखिए लगभग पक चुका है, सब्जी तैयार हो चुका है। अब डालेंगे इसके अंदर देसी घी। ये देखिए बिल्कुल बटर जो है निकाला हुआ घर पर, ये डाल दिया इसके अंदर और इसको मिक्स कर देंगे। वो तो बटर डालने से जो है बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनता है। दोस्तों अब इसके अंदर डाल देंगे मैगी मसाला। ये देखिए मैगी मसाला डाल दिया है और इसको भी मिक्स कर देंगे अच्छे से।
ये देखिए लगभग जो है पनीर की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब गैस को बंद कर देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा हरा धनिया डाल देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, पालक पनीर बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।